अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां 2015 में जिले के डभौरा में हुए जिला सहकारी बैंक के 20 करोड़ घोटाले का मास्टरमाइंड आरोपी सीआईडी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी साधु के वेश में शहर में स्थित हनुमान मंदिर में 6 सालों से रह रहा था। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, 2015 में हुए जिला सहकारी बैंक के घोटाले में 67 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 14 आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आज मामले का मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले पर 4 बैंकों के महाप्रबंधकों के साथ ही कई बैंकों के शाखा प्रबंधकों पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आइए सुनाते हैं एडिशनल एसपी मऊगंज को, जिनके द्वारा पकड़े गए आरोपी के संबंध में जानकारी दी गई है। हाँ, जिला सहकारी बैंक का डभौरा कांड जो हुआ था, उसमें सीआईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिला पुलिस बल भी कर रहा था। इसमें एक आरोपी फरार था जिसने साधु का वेश धारण कर लिया था। पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखबिर ने सूचना दी कि ये यहाँ पे है, तो जिसके तारतम्य में सीआईडी की टीम को भेज करके एसपी साहब द्वारा इसको पकड़ाया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।